डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने बकाया वेतन भुगतान किए जाने सहित कुल 10 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को जिला अस्पताल के सीएमओ कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजियां भी की। फार्मासिस्टों का कहना है कि कई माह से वेतन ना मिलने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है, जिससे उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त भी उनके कई अन्य मांग लंबित हैं, जिन्हें पहले समय से पूरा नहीं किया जा रहा है। धरने में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के मंत्री डॉक्टर डीके सिंह, डॉक्टर बीडी चौधरी, ब्रजेश गुप्ता, ज्ञान भारती सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर डीके सिंह ने कहा, आई है, आगे और लाई है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। भाई साहब, हम लोग 10 सूत्री मांगों को इनको दिए थे 13 तारीख को ही, कि आप इसको समाधान करके हम लोगों को सूचित करिए। उसमें सबसे प्रमुख मांग है, ये इनके द्वारा, इनके कार्यालय द्वारा महानिदेशालय को भ्रामक सूचनाएं भेजी जा रही हैं, जिसके चलते हमारे दो साथियों का समायोजन यहाँ से आजमगढ़ हो गया है, जबकि वो रेगुलर पद पर नियुक्त हैं और 6 महीने पहले ही उनकी नियुक्ति हुई है, उनका वेतन भी मिल रहा है, लेकिन इन्होंने सूचना भेजा है कि ये सरप्लस है, जिसके कारण जो है उनके स्थानांतरण हो गए। दूसरा हमारा मुद्दा है कि नसबंदी के लिए 50 रुपये एनेस्थेटिस्ट को मिलता है पर केस, और एनेस्थेसिया देने का काम हमारा फार्मेसी साथी करता है पूरे पीएस, लेकिन पैसे का भुगतान उसको न करके ये लोग अपने जेब में इधर उधर बंदर बांट करते हैं। हमारी मांग है कि अगर काम हम कर रहे हैं तो उसका भुगतान जो निर्धारित है वो हमको दिया जाए। इसके अतिरिक्त आपको पता होगा, हमारे जनपद में 2 पुराने चिकित्सालय थे, मेडिकल केयर सेंटर और स्कूल डिस्पेंसरी, जाफरा बाजार में था, वहाँ लोगों को दवाएं मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी, उसको साजिश के तहत बंद कर दिया गया। और हमने इनसे निवेदन किया कि आप इसको ऊपर लिखिए और उसको किसी अन्य जगह खुलवाइए, उसको शुरू करिए, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। हमारे कर्मचारियों के साथियों के बोनस और डीए एरियर इनके कार्यालय में पड़े हुए हैं, जो दिवाली के समय मिल जाना चाहिए था, अभी तक नहीं मिल रहा। कितनी सूत्री मांग है आपकी? हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। कब तक आप लोग बैठा रहेंगे यहाँ पर? आज हम एक दिवसीय धरना के माध्यम से इनको चेतावनी दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर ये नहीं करेंगे तो हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हमारे साथ जिला अस्पताल, जिला महिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज के साथी भी आएंगे, और स्थिति हम लोगों की हुई तो हम लोग हड़ताल पर भी जा सकते हैं। अन्य कर्मचारी संगठनों का भी हमको सहयोग मिला है, वो लोग भी हमारे आंदोलन में।